न्यू कश्मीर में पहली बार लाल चौक पर हमला हुआ है। थोड़ी देर पहले ही आतंकी ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए हैं और 2 नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। बड़ी खबर, सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। लाल चौक का इलाका जहां पर सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया, इसमें 2 नागरिक भी घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर न्यू कश्मीर यानी कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली घटना इस तरह की सामने आई है, जिसमें कि लाल चौक के इलाके में ये हमला हुआ है। थोड़ी देर पहले ही आतंकी ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए हैं और इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इस हमले में 2 नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक में यहीं पर जो सीआरपीएफ के 2 जवान तैनात थे उन पर हथगोले से हमला हुआ है। ग्रेनेड उन पे चलाया गया है जो यहां पर बड़ा जोरदार धमाके से फट गया। उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी मची क्योंकि ये श्रीनगर का सबसे व्यस्त इलाका है। अगर आप देखेंगे ये लाल चौक का वो इलाका है जहाँ पर रविवार को संडे मार्केट लगती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की चहल पहल होती है। उस बीच दोनों जवान जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के तैनात थे उनके साथ साथ 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर अब सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ की तैनाती और साथ ही साथ पुलिस की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। और श्रीनगर शहर में रविवार के दिन इस तरह से ग्रेनेड हमला होना वो भी सीआरपीएफ पर कहीं ना कहीं साफ जताता है कि अभी भी कश्मीर में हालात जो है वो सामान्य नहीं है। और यही कारण है कि अब श्रीनगर शहर के अलग अलग जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाके लगाए हैं ताकि शहर के अंदर आने वाले वाहनों और लोगों पर नजर रखी जाए। गौरव अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।